Now, dear students, now we know how to draw the angle of 90 degree. 90 degree का angle हमने draw करना आ गया है. अब हम next angle करेंगे 45 degree. 45 degree का angle draw करने से पहले बेटा हमें पता होना चाहिए था कि how to draw the angle of 90 degree. क्योंकि जब तक हमें angle 90 degree का angle draw नहीं करना आएगा compass का, तो we are unable to draw the angle of 45 डिग्री. क्योंकि जो 45 डिग्री है वो क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल है उसका क्या होता है बेटा, हाफ होता है, हाफ ऑफ द 90 डिग्री. जो एंगल हमारा 45 डिग्री है वो क्या होता है, अगर हम 90 को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा हमारा 45. इट मींस हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए, सॉरी 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें पहले 90 डिग्री को एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा. एंड नाउ वी ऑल आर नो हाउ टू ड्रॉ द एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो एंगल ऑफ 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ रे. हम एक रे मार्क करेंगे, मार्क अ रे, स्ट्रेट रे. हमने एक रे मार्क की एंड यू हैव टू गिव any name to this ray. For example, the name of this ray is PQ. Now, another work kya hai hamara? Open the compass of any radius. Hum ab kitni bhi compass ki radius open karke, but hamara jo compass hai wo bilkul ye bhi nahi hona chahiye ki bahut kam open hai, aur aisa bhi nahi hona chahiye ki bahut zyada open kar le taki aapke page se properly aapko karne mein problem aaye. ओके, सो आपका जो कंपास है वो टाइट होना चाहिए विद पेंसिल. नाउ ओपन द कंपास विद एनी रेडियस एंड मार्क एन आर्क, और एक आर्क लगाएंगे जो पी क्यू, जो रे हमारी रे है उसको. फॉर एग्जांपल हमने उसको, आप देखो यहाँ पे हमारी डबलिंग आ गई. इट मींस जो हमने कंपास ओपन था वो हमारा हिल गया है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं किया है, वो टाइट नहीं था. सो योर कंपास शुड बी टाइट. अब मुझे अगेन दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि मेरा कंपास कितना ओपन था. यस, नाउ इट इज करेक्ट. नाउ द नेम ऑफ दैट, फॉर एग्जाम्पल ए, हमने जहाँ पे पी और क्यू रे को जहाँ पे ये टच कर रहा है, जो हमने रेडियस ओपन की थी, फॉर एग्जांपल वो ए पॉइंट है. अब हम ए पॉइंट पे रखेंगे अपना कंपास, और जितनी रेडियस हम, जितना कंपास हमारा ओपन था उतना ही कंपास ओपन किए हम एक आर्क लगाएंगे. ये फर्स्ट आर्क किसको रिप्रेजेंट करेगी, 60 डिग्री का एंगल. अगर हम पी से यहाँ तक इसको ज्वाइन करेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा हमारा, 60. अब उतना ही कंपास ओपन किए हुए हम एक और अनदर आर्क लगाएंगे जो अनदर पॉइंट पे रखी होगी. फॉर एग्जाम्पल हमने इसको नेम दिया है बी, कि हमने बी पे रखा, और अप टू द हमने इसको नेम दे दिया फॉर एग्जाम्पल सी. बी पे कंपास रखा, सी पे आर्क लगाई, कि जितना कंपास हमने स्टार्टिंग में ओपन किया था पी टू ए, हमने एक आर्क लगाई थी, उतना ही कंपास ओपन किए हुए ए पॉइंट पे रखा, बी पे यहाँ से अनदर आर्क लगी उसको हमने बी पॉइंट नेम दिया, फिर हमने बी पे कंपास रखा और सेम रेडियस के साथ हमने अनदर आर्क लगाई और उसको हमने नेम दिया सी. अब अगर हम बी और सी इन दोनों का हाफ करते हैं, यानी कि जो हमारा 60 डिग्री का एंगल है और 120 डिग्री का एंगल है, अगर हम इसका हाफ करते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 90 डिग्री को. क्योंकि हमने जो फिफ्थ पार्ट था सेकेंड क्वेश्चन का, उसमें हमने यही किया था बेटा, एंगल ऑफ 90 डिग्री हमने ड्रॉ किया था. तो फर्स्टली हमें 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने से पहले हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा. सो नाउ जॉइन द बोथ, इन दोनों को हम जॉइन कर देंगे. अब 90 डिग्री का एंगल हमें नहीं ड्रॉ करना, हमें 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. तो हम जो मार्क करेंगे, जो एंगल हम ड्रॉ करेंगे, वो डॉटेड में ड्रॉ कर रहे हैं, वो फेयर लाइन नहीं है, रफ लाइन है. तो ये रिप्रेजेंट कर रही है, दिस रे रिप्रेजेंट 90 डिग्री एंगल, और हमने इसको नेम दे दिया फॉर एग्जाम्पल एल. ओके, कि जहाँ पे इन दोनों ने टच किया है वो एल पॉइंट है. ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, हमें इस 90 डिग्री का हाफ करना है. सो वन वे इज दैट,
कि आप जितना यहाँ से अब वापस हमें ए पे कंपस रखना है, कहाँ पे रखना है कंपस, ए पे, क्योंकि हाफ क्या हो रहा है, इसका हाफ हो रहा है, ये है 90 डिग्री का एंगल यहाँ से यहाँ तक का। तो अब हमें 90 डिग्री का हाफ करना है, तो आप कंपस यहाँ ए पॉइंट से लेके जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है यहाँ तक भी ओपन कर सकते हो, जहाँ पे ये टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, एंगल यहाँ पे है 90 डिग्री, ओके, क्योंकि हमारी जो आर्क है उसको ये यहाँ पे टच कर रहा है। तो हमें यहाँ पे इसका यूज़ नहीं करना है, ये आपको रब भी नहीं करनी है, रब नहीं करनी है, क्योंकि इसी से पता चला है कि हमारा 90 डिग्री एंगल ड्रॉ हुआ है। और लेकिन हमें अब यूज़ यहाँ इस पॉइंट का करना है, अब तक तो हम इन आर्क्स का यूज़ कर रहे थे, अब हमें यहाँ पे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का यूज़ करना है। तो हमने ए पॉइंट पे कंपस रखेंगे और अप टू द 90 डिग्री, जहाँ पे 90 डिग्री है वहाँ तक ओपन कर लो, या जो हमारी आर्क है उसके मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा ओपन कर लो, या आप फुल कंप्लीट ओपन कर लो। चलो हम कंप्लीट ओपन कर लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने, और यहाँ से आप ओनली हाफ आर्क भी लगा सकते हो या आप कंप्लीट यहाँ तक भी आर्क लगा सकते हो, ओके। अब हम इस पे कंपस रखेंगे अनदर पॉइंट पे 90 डिग्री के एंगल पे और आर्क लगा देंगे। तो जहाँ पे इन दोनों ने क्रॉस किया है, इस आर्क ने और इस आर्क ने, ओके, तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रही है एंगल ऑफ, एंगल ऑफ 90 का हाफ क्या है, 45 डिग्री। नाउ हमने इसको नेम दिया बेटा ओ, हमने नेम दे दिया इसको ओ। तो अब हम इसको मिला देंगे किसको, पी और ओ को, पॉइंट को, जॉइंट पी टू ओ की जो पी पॉइंट है उसको हम ओ से जॉइंट कर देंगे, ओके। जॉइन नाउ द ओ पी क्यू, जो हमारा ओ पी क्यू है दैट इज द एंगल ऑफ 45 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ द एंगल ऑफ 45 डिग्री। कैसे ड्रॉ करेंगे, फर्स्टली वी हैव टू मार्क अ रे, एक रे मार्क करेंगे, फिर वी हैव टू ओपन द कंपस इन एनी रेडियस विद एनी रेडियस एंड मार्क द आर्क, और आर्क हम कितनी लगाएंगे, नियर अबाउट हाफ ऑफ द सर्कल, हाफ सर्कल के नियर अबाउट, ओके। फिर हमने जितना कंपस हमारा ओपन था वहाँ से हमने ए पॉइंट पे रखा और ए से बी पे मार्क किया, फिर उतना ही कंपस ओपन किए हुए हमने बी पॉइंट पे अपना कंपस रखा और सी तक मार्क किया, फिर हमने क्या किया, बी और सी इन दोनों का हाफ किया, हाफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्री के एंगल को, फिर हमने क्या किया, जो 90 डिग्री का एंगल है हमारा उसका हाफ किया, तो 90 डिग्री के एंगल का जो हाफ हुआ वो क्या है, एंगल ऑफ 45 डिग्री। हमारे पास जो एंगल ऑफ 45 ड्रॉ करने का बेटा वन अनदर वे भी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर 60 का हम हाफ करेंगे 30, और फिर 30 और 60 का हाफ। बट अगर आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके बना आप ड्रॉ करते हो 45 डिग्री का एंगल, तो वो आपके लिए इजी होगा, क्योंकि जो 60 है उसका हाफ 30, और फिर 30 से यहाँ तक आपको कंपस ओपन करने में प्रॉब्लम आती है। सो यू हैव टू ड्रॉ द एंगल ऑफ 45 डिग्री यू विद एंगल ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि उसमें भी आपको उतना ही ड्रॉ करना है, पहले 60, फिर 60 का हाफ 30, फिर 30 और 60 का हाफ, क्योंकि फिर इसका भी हाफ होगा वो, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ द एंगल ऑफ 45 डिग्री, ओके बेटा।